जी थैंक <laughs> so <laughs> तो आप, तो आप सबकी मोहब्बत के साथ <laughs> जी तो आप देख सकते हैं आज आ, सिंगर तो है एक डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद है और मेरी टीम वाले अपने सारी रिपोर्टे लेकर थे मैंने उनको बोला कि अगर आपको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप

उनकी कवालियां ज्यादा हमारे घर पे लगा करती थी तो वो जो वो जब आ अगर तो मुझे बड़ा मजा आता था <laughs> वो मेरे डैडी बहुत सुनते थे तो मैं भी बस उनके साथ साथ गाती थी और फिर मुझे लगा कि यार सबके फैन है वो भी नाम है। अंकल अच्छा। <laughs> वो बहुत सुनते हैं उनको उनकी कवालियां यानी कि कोई भी चीज़ आती थी तो वो कवालियों के फैन है तो वो सुनते सुनते मेरे अंदर का म्यूजिक मुझे डिस्कवर तब हो गया कि मैं गा क्योंकि मैंने अपने बजमी अदब में फर्स्ट टाइम नाथ परफॉर्म की थी तो मुझे लगा कि यार मुझे अब मैं गा सकती हूँ तो बस वो तो ठीक है ये हो गई सिंगिंग पेंटिंग की तरफ ये किस तरह पता चला अच्छा वेलकम मूवी देखने के बाद <laughs> नहीं 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 तो, नहीं नहीं ओ, ओ, मजरू भाई नहीं। पेंटिंग बना रहे हो नहीं। <laughs> नहीं। <laughs> मजरू भाई वाले को डोंकी मैं बिल्कुल वो बिल्कुल नहीं बनाए मेरे डैडी ने मुझे आज तक कभी टॉयज नहीं लेके दिए थे हम बहुत छोटे छोटे थे तो वो हमारे लिए पेंट्स और ये चीजें गिफ्ट लेकर आते थे पेन रेजर्स मार्कर्स के कुछ डिस्काउंट तो वो करते करते मुझे कलर्स बहुत पसंद है मैं उंगलियों से पेंट करती थी फिर मैंने उंगलियों से पेंट करती थी उंगलियों से मैं ये थम प्रिंट से बनाती होती थी पूरा आर्ट बनाती ए, थी। वो उसको करके हाँ वो थम से वो बड़ा अच्छा निकल है आप लोग ट्राई करना टूथ ब्रश से और इससे उसके अलावा ब्रश को पेंट करके उसके बाद छींटे लगाओ तो वो कितना अच्छी लग रहा है नहीं उस तरह से तो वो मेरे पास बचपन से पेंट्स बहुत थे तो मुझे शौक मेरा डेवलप हो गया और मेरी जो आर्ट की स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हो गई थी माशाल्लाह माशाल्लाह हाँ। ठीक है तो व्लॉगिंग की तरफ कैसे आई वो तो कोविड ने हमारी जिंदगी बदल दी <laughs> कोरोना ने लोगों की जिंदगी में भूकंप मचाया मेरी जिंदगी को अच्छा कर दिया बहुत कोरोना का शुक्रिया अदा करना आया, चाहिए या जिंदगी की हर का शुक्रिया से बात नहीं वाकई में कोविड ने लाइफ चेंज कर क्या वो दिन था एक दिन उठी कोरोना ने आपसे आके बात की कि मैं तुम्हारी को फेवर करना चाहता कोरोना ने कहा सब बंद है कर बैठो हुन काम करो हुन काम करो व्लॉगिंग करो हुन, हुन नहीं टेलीविजन तो हो गई है छुट्टी कर रहा है क्योंकि जाना आना इतना मुश्किल हो गया था मैं ये बता दूं कि मैंने अपना करियर जो है वो 2017 में एज सिंगर स्टार्ट किया लेकिन फिर मैंने टेलीविजन ज्वाइन किया सोशल मीडिया पे मैं बहुत बाद में आई थी कोविड अच्छा, में आई थी तो पहला व्लॉग क्या था जो बनाया पहला व्लॉग नहीं था पहली वाइन थी वही पंजाबी फपे कुटनी आंटिया हाँ वो इस तरह नहीं नहीं वो मैं भाई नहीं बोल रहा वो <laughs> मुझे वाइंस नहीं बनती हाँ। देसी टिपिकल आंटियों वाली फिर फिर हम तीनों बहनें बैठी हुई थी तो हमने बकर पे एक वो सेगमेंट बनाया कि निहाल्ला की गोश्त दे गई है उस तरह का वो करके दिखाया थोड़ा सा <laughs> मैं आपकी बहन बन जाता हूँ आप फातमा बन जाए मेरी बहन है वो बड़े बड़े अच्छी पंजाबी बोलती है और वो हाई अल्लाह पता नहीं की गोश्त क्या बाजी ना लड़ो अल्लाह वास्ते मेरा बंदा मैं घरों कट देगा मेरे घर आके सारा लड़ाई लड़ाई बाजी हैरान थे खाला नु देनी थी तुसी क्यों नु अपनी दोस्त नु दे बाजी तुसी यार ए भी हैरान रख लो बेरवानी लड़ाई ना छिछड़े ते सैड करो ना खाओ ताजी हो गई एस्ट्रोलॉजी ये क्या एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती है एस्ट्रोलॉजी में स्टडी ऑफ <laughs> बहनों की पढ़ाई बहनों की बहनों की पढ़ाई बहना दी पढ़ाई <laughs> है हम शीरा की पढ़ाई आप पांच हम शीरा हमशीरा हैं। पांच बहने हैं माशाल्लाह तो वो क्या करती है आप सबसे बड़ी हैं मैं सबसे बड़ी सब आपकी लाडली हैं सब मेरी लाडली सबको पॉकेट मनी आप देती नहीं मैं तो नहीं देती सब अपना अपना कमाती हैं खुद माशाल्लाह तो वालिद साहब सबसे बड़े खुश होंगे वो माशाल्लाह वो जब हम पैदा हुए तब से खुश है अब तक खुश जा रहे हैं एक ही बंदा है माशाल्लाह जो अपनी औलाद से खुशी है मतलब बीच बीच में कोई कोई ना नाराज़ ज़रूर नहीं, नहीं, <laughs> मतलब क्या है डैडी का मतलब है अबू, अबू, पापा। पापा, मतलब हमारे साहब तो अपने वालिद साहब को भाजी कहते थे ना भाजी आ गए आप डैडी कहते हैं नहीं पापा और मम्मा को मम्मी

हाइपर इन्फ्लोमेटरी हाई रेस्पायरेटरी हाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ नेचुरल फिनोमिना हो गया अच्छा इसका क्या इलाज है? इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिस नहीं कर रही और मैं कोई ऐसी चीज बता दूं और वो बेचारा कर ले तो बाद में तुम सारे ने मेरे उत्ते आ जाना मैं रिस्क नहीं लेंगी प्यार नाल कह दियो कर लेगा <laughs> मैं रिस्क मैं प्यार नाल सेब खाया करो कर डॉक्टर आ दूर रहो बस एप्पल इन अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे ओ सुने

मैं अपना ही कर्ज उतारने का सोच रही अपने हालात ठीक कर लिए फिर मुद्दे कर लेंगे नहीं मुल्क के लोगों को हम इतना अच्छा अच्छा मैसेज देते हैं उनकी मतलब पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए या कोई बहुत डिप्रेस होता है हमारे व्लॉग्स देख के खुश हो रहा था यही कर्जा है जो हम मेरा इससे बड़ा सबाब का काम का नहीं है कोई नहीं है लोग हस... लो ये भी कहते हैं कि आप रिहाम खान लगती हैं

जो है मैंने उनके सारे पोल खोले हैं बहुत कंजूस आदमी थे इस तरह करके कि वो बातें थी आपने कुछ किया हो माइंड में सोचा और वो हो गया हो मेरे साथ जो जो सोचा है वो सब हुआ है क्या आपने पिछले साल सोचा था हद कर दी पे आएंगे। <laughs> मैं हद कर दी तो तुसी तो हद ही उन कर देती है यार बचपन <laughs> में टॉम बॉय थी यस yes. लड़ाइयाँ बड़ाइयाँ काफी हुई बहुत चपेटे रैपते मारे चपेटे बेल्टे डंडे <laughs> बेल्टे डंडे <laughs> अच्छा वेरी गुड माशाल्लाह कौन सा किस्सा तो सुनाएगी <laughs> अच्छा एक बार ये हुआ था मेरे साथ के आ, हमारी टीचर जब ध्यान से सुनना सुन लिया ना चपेटे बेल्टे रैपते मैं क्लास की मॉनिटर थी और टीचर हमेशा जो अपना चार स्केल जमा करके टेप चढ़ा के एक डंडा बनाती थी जिससे जिससे वो बच्चों की पिटाई करती थी जो टेस्ट में फेल होता था तो वो डंडा उन्होंने मुझे पकड़ाया हुआ था मैं सिक्स स्टैंडर्ड में थी वो डंडा उन्होंने मुझे पकड़ाया हुआ था और uh, कि आपने ही घर लेके जाना मैं स्कूल यूनिफॉर्म में बैग पहन और हाथ में डंडा पकड़ा वापस चार लड़के गुजरे वहाँ से और आके कहते हैं वाह वाह ये वो मुझे पता नहीं क्या हुआ मैंने बैग उतार के सड़क पर रखा डंडा पकड़ के पीछे उनकी टांगों पर जाकर मैंने डंडे मारे चीखते हुए वो निकल गए बात तो बात की कैसे तो मेरे साथ हमेशा ऐसे हुआ मुझे कभी किसी ने कोई कॉमेंट पास तो I was not like, oh my God, इसने किया तो आई वॉज नॉट लाइक वो फिर ऐसे है ये तो आगे से तो वो

<laughs> मैं लंच चोरी किया करती थी बचपन hey! में बच्चों के लंच चोरी की एक्सचेंज करती थी उनसे माफी मांगनी आज नहीं अच्छा किया था मैंने <laughs> क्योंकि मेरी अम्मा मुझे पराठा दे देती थी और वो लाते थे बर्गर और मेरी अम्मा मुझे हमेशा से पराठे खिला खिला के जितनी आदत डाल दी कि उसके अलावा क्यों और नाश्ता अच्छा नहीं लगता तो बस अब... वो एक्सचेंज कर देती थी अम्मा का चैनल आपका चैनल बहनों का चैनल कजनों का चैनल कभी एफ आई ए की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया डॉलर तो डॉलर इकट्ठे करी जा रहे हो पे करते हैं ना टैक्स एव... टैक्स पूरा पे कर टैक्स फाइलर है, हम सारे घर का एक एक बंदा टैक्स फाइलर है एफ बी आर से कभी कोई बातचीत हुई है उन्होंने की थी तो टैक्स देना शुरू हुए ना